ये देखिए लाइट गंजे। तो क्या कर रही हूँ मैं, यादगार के लिए लेके रही हूँ। आपका तो ठीक ही है, इसका देखो ना। दो चार जन ने टैग भी करने पड़ सी। कोई फर्क पड़ा गोपी तेरे स्किन में स्क्रब वगैरह? तो अब पहली बार कराया वो फर्क नहीं आता, तो भरा ही रहा ये क्या आपने सुना मैंने रिकॉर्ड किया जनता जनार्दन ने। कृपया यहाँ माता परायण पढ़ के सबके लिए सद्बुद्धि मांग रही है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरे घर का यूजुअल संडे है। संडे को कुछ इस तरह से हमारा दिन बीतता है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही है कि कितने आराम से हम बातें कर रहे हैं और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पापा वहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे ये सब अपने अपने बिजी हैं। संडे बहुत आराम से और अच्छे से जाता है। मैं हंसती रहती हूँ पूरे दिन। तो आज देख सकते हो आपकी भैया फेस पैक लगवा रहे हैं भाभी से, मम्मी वहाँ पे पूजा कर रही है और पापा भी अपने हेयर में कलर लगा रखे हैं और हेडफोन में पुराने पुराने गाने सुनते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से दिन बीतता है। तो आज मैं पूरे ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मेरे मायके में संडे किस तरह से बिताया जाता है। सो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और पूरे ब्लॉग में आपको दिखेगा कि पूरे दिन हमने क्या क्या किया, यूजुअली हम संडे कैसे बिताते हैं और ये संडे हमने किस तरह से बिताई, वो मैंने कुछ शूट किया है। कहाँ जाएंगे हम, क्या क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये मुझे वॉर्न कर रहा था कि ये सारे ब्लॉग मत डाल देना, क्योंकि मैंने डाल दिया। अब देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। और पापा को देखकर मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि पापा अपने चश्मे में फॉइल पेपर रैप करके अपना चश्मा बचा रहे थे हेयर कलर से, इसलिए हम बहुत हंस रहे थे। और मुझे अभी जितनी बार मैं देख रही हूँ उतनी बार मुझे हंसी आ रही है। वहाँ पे मम्मी भी पारायण पढ़ रही हैं और वो पक्का ही वहाँ अंदर बैठ के हंस रही। काफ़ी डांस करके मेहनत करने के बाद ये जो डांस आप देख रहे थे वो हम मतलब बहुत ही यूजुअली हम बहुत नाचते रहते हैं जहाँ पे हमें गाना सुनता है राजस्थानी। तो उसके बाद मैं शाम को निकल पड़ी थी पार्लर के लिए। मुझे स्पा करवाना था एंड देन फेशियल क्लीनअप करवाना था। तो उसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे आई थिंक 3 से 4 घंटे लगे पार्लर में। तो वहाँ का एक शॉर्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो वहाँ पे मुझे 3-4 घंटे लगे। शाम हो गई थी मुझे घर जाते जाते लंच के बाद। उसके बाद शाम को घर जाने के बाद हम निकले पार्क के लिए। वहाँ पे बच्चों को पार्क लेकर गए थे। वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती की है। ये आप देख सकते हो कैसे कैसे कर रहे हैं लोग। ये मेरा भतीजा है, वो भतीजी है, वो मेरा बेटा है और हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। मैंने सारे वीडियोस बनाए वहाँ पे, व्लॉग्स बनाए और कुछ रील्स भी बनाई एज़ यूजुअल। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में कनेक्टेड नहीं हैं तो वहाँ पे जाइए। इंस्टाग्राम आईडी मेरा है माधवी शर्मा, वहाँ पे जाइए। मैं वहाँ पे सुपर डुपर एक्टिव रहती हूँ, वहाँ पे जाके आप डेली के अपडेट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की और फिर शाम को निकलते समय हमने कुछ स्नैक्स वगैरह खाए और उसके बाद हम घर चले गए। ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था तब गए, बट मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि
बच्चे खेलते रहे, बहुत सारी चीज़ें खेली हम, क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे क्या करेंगे, इसीलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। मेरे बैकग्राउंड की आवाज़ को बहुत अच्छे से आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि बहुत आवाज़ आती है यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ। शाम को रात हो गई थी, रात को इसके मामा मतलब मेरे भाई सबके लिए कलर्स लेकर आए थे, होली का कलर लेकर आए थे, क्योंकि मैं होली के पहले का व्लॉग बना रही थी और मैं अब डाली हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद वो सारे जो भी कलर्स वगैरह थे वो लोग सब डिवाइड कर रहे थे अपने अपने, कुछ फेस मास्क लेकर आए थे, वो सारे अपनी अपनी पसंद करके ले रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी, यहाँ पे एंड करते हुए मैं बता रही हूँ कि मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती की है। वहाँ दिन कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता, और इतनी मतलब हंसी मजाक होती है वहाँ पे, बच्चों की चहल पहल रहती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और भी व्लॉग्स मेरे रेडी है अपलोड करने के लिए। तो फिर मैं वहाँ मिलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलता ना फिर, इसलिए। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट कैसा वीडियो चाहिए। उसके अलावा जो भी होंगे मेरे पास, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और बने रहिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। ये वो कौन सा मूवी का? पेनीवाइज। नहीं, ये वो है जोकर। इट पेनीवाइज। इट वो भी था पेनीवाइज, मनी हाइस्ट का। मतलब आज तू क्या स्क्विड गेम? वो पे मैं क्या लग रहा हूं? मैं देखो 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 रिजल्ट है। हां सुनो ना।